नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं रश कुमारी। आज यानी कि 11 जुलाई को पूरे देश में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को लेकर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की जाती है और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए योजनाएं और मुहिम संचालित की जाती है। कहना तो गलत नहीं होगा कि दुनिया के कुछ देशों में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है वो अपने अपने विनाश की ओर भी बढ़ती जा रहे हैं। भारत देश को ही ले लीजिए, जो कि पूरे विश्व की धरती का कुल 2.4% हिस्सा है और बात यदि यहाँ की आबादी की जाए तो पूरी दुनिया की आबादी का 5वें हिस्से के भारत बराबर है। भारत में जिस तेजी से अगर बात की जाए आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया देश हमारे यहाँ पैदा हो जाता है। और आज हम चर्चा करेंगे इसी जनसंख्या विस्फोट और उसके दुष्परिणाम पर, लेकिन पहले इसमें दिग्गजों का क्या कुछ कहना है आइए देख लेते हैं। तो आज की चर्चा को शुरू करें, चलिए उसके पहले नजर डालते हैं कि किस तरह से किस स्तर पर बढ़ रही है आबादी और आंकड़ों पर क्या आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। अगर हम सर्वाधिक आबादी वाले 5 देशों की ही चर्चा करें तो पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या 1,38,65,70,000 है और चीन की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 18.3% है। और चीन के बाद बड़ी आबादी वाला देश भारत, जी हाँ हमारा देश है, जिसकी जनसंख्या 1,32,17,10,000 है। या दुनिया का लगभग 17.5% आबादी यहाँ भारत में हमारे देश में निवास करती है। और तीसरे स्थान पर आता है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जिसकी आबादी 32,05,22,000 है। आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर 26,18,90,900 की जनसंख्या के साथ इंडोनेशिया और पांचवे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जहां की जनसंख्या 20,90,24,000 है। देश और दुनिया की अब चर्चा छत्तीसगढ़ की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की कुल आबादी 2,55,45,198 रही, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,28,32,895 और महिलाओं की 1,27,12,303 है। देश की कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का 16वां राज्य है और 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में रायपुर जिले की जनसंख्या सबसे अधिक 21,60,876 है। दूसरे स्थान पर बिलासपुर और तीसरे पर दुर्ग है। वहीं नारायणपुर जिले की सबसे कम जनसंख्या 1,39,820 है। संसार भर में आज विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जाता है और उसी कार्यक्रम तो पूरे देश भर में हमारा इंडिया में आज के दिन चालू करते हैं, जिसमें नसबंदी या परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्थायी या अस्थायी साधन का समुचित प्रचार प्रसार करते हैं और हमारा कैंपेन चालू होता है। पूरे संसार का हमारा पॉपुलेशन करीब 18% है, हमसे 1% ज्यादा है चीन, तो ये बहुत विस्फोटक स्थिति है। जमीन हमारा करीब 3% है, पूरा संसार का जमीन हमारा क्षेत्रफल, मगर हमारा जो पॉपुलेशन जो है 40% हो रहा है रायपुर इंडिया और चाइना मिला के। ये बड़ा खतरनाक स्थिति आने वाले दिन में बहुत विस्फोटक स्थिति होगा। तो बहरहाल ये तो रही आंकड़ों की बात, बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या आज वैश्विक संकट बन चुकी है क्योंकि बढ़ती आबादी के अनुपात में लोगों को जीवन चलाने के उपयोगी संसाधन नहीं उपलब्ध कराना मुश्किल
हो रहा है। अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं की भी बड़ी वजह से जनसंख्या विस्फोट है। आज हम इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे और कैसे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि कितनी बड़ी समस्या है और हम इससे कैसे निपटेंगे, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ से जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। कुणाल जी सबसे पहले तो आपका रुख करूंगी कि ठीक है जब हमें नंबर वन नंबर दो का तमगा मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम दूसरे पायदान पे जनसंख्या के मामले में आ रहे हैं कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। बिल्कुल खुशी की बात नहीं, और मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि जनसंख्या शब्द पे ही मेरी आपत्ति है। ये सिर्फ आप नंबर ही काउंट करते हैं, मानव संसाधन को हम इसमें भूल जाते हैं। 1948 में जो है चीन जो एक गणतंत्र बनता है, कम्युनिस्ट जो है उसमें शासन आता है, और चीन आज 2019 में कहा है, जबकि 1948 में चीन हमसे कहीं पीछे था, भारत उसके एक साल पहले आजाद हो गया था। चीन ने स्पष्ट पॉलिसी अपनाई, चीन ने स्पष्ट जनसंख्या नीति जो है अपनाई। चीन बहुत सालों तक सिर्फ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाता रहा, परंतु हाँ देखिए सिंगल चाइल्ड पॉलिसी में मेरी आपत्ति हमेशा से रही है। टू चाइल्ड पॉलिसी है भारत ने कड़ाई से अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए इसमें दो पहलू हैं। 1976 में भारत एक स्पष्ट जनसंख्या नीति लेकर आता है जिसमें बड़े पैमाने पे नसबंदी होती है। इसमें कुछ विवाद भी हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों की भी नसबंदी हो जाती है जो उस समय पात्र नहीं थे, अविवाहित थे, पर इसके दिगर 1976 में एकमात्र आजादी के बाद मेरे को समय दिखता है जब भारत के साफ तौर पे नसबंदी या परिवार जो जनसंख्या विस्फोट है उसको नियंत्रण करने की ओर जा रहा था। अब विपक्ष इसको खास तौर से मुद्दा बनाता है। तो हमारे देश में देखिए अगर जनसंख्या जो हर समस्या के जड़ के रूप में देखता हूं, बेरोजगारी जनसंख्या के कारण है, आप देखेंगे स्वास्थ्य की समस्या जो है जनसंख्या के कारण है, लोगों को संसाधनों का जो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ उसका जनसंख्या के कारण है। तो देखिए जनसंख्या जो या उसको मानव संसाधन का सदुपयोग नहीं कर पाना जैसा कि चीन ने किया और हम नहीं कर पाए, तो इसको मैं एक बड़ी समस्या के रूप में देखता आया हूं। तो देखिए आपको दो चीजें करना पड़ेगा, एक तो स्पष्ट जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाना पड़ेगा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन का आपको सदुपयोग करना आना पड़ेगा। आप अपना आपके पास युवा है, आपके पास युवाओं की फौज है, युवाओं को अगर आप उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, तो हम अपने मानव संसाधन का उपयोग करके आज चीन ही नहीं अमेरिका को भी पछाड़ सकते हैं। परंतु भारत सरकार या प्रदेश सरकारों की जो दृढ़ इच्छा शक्ति में अभाव देखता हूं मैं, उसके कारण हम लोग आज जो है पीछे होते जा रहे हैं और जनसंख्या विस्फोट हमको कहीं का नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी, 11 जुलाई यानी कि आज जनसंख्या दिवस को लेके कई हम देखते हैं कई मतलब चीजें कंडक्ट की जाती हैं, चिंता की जाएगी, अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे, तमाम चीजें सिर्फ आज के दिन तक तमाम चीजें सीमित रह जाती हैं। जिस तरह से कुणाल जी कह रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट उन चीजों को हमारी सरकारें करने में फेल रही हैं, जिसकी वजह से जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसका खामियाजा हर सेक्टर में, हर जगह, हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। क्या लगता है अब नहीं सुधरे तो कभी हालात नहीं बदलेंगे? देखिए कई दिवसों की तरह जनसंख्या दिवस भी होता तो औपचारिकता के लिए है, लेकिन उसका भी एक अपना संदेश होता है, एक लाइन होती है, और लोगों के कम से कम इतनी तो समझ आती है कि आज के दिन जनसंख्या को हम याद करते हैं कि जनसंख्या अगर विस्फोट होगा तो क्या परिणाम दुनिया के सामने आएगा। आपको ख्याल हो या न हो, लेकिन ईसा पूर्व जो है 4040 ईसा पूर्व से लेकर के 1760 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा थी, और उसके बाद जो है चीन की ज्यादा हुई और स्थितियां जो है बिगड़ती चली गई, और आज की स्थिति में हम लोग जो है जितनी हमारी जनसंख्या थी उससे कहीं ज्यादा आज खड़े हुए हैं।
अब इससे परिणाम क्या आएंगे? हालांकि देखिए जागरूकता जो है इस समाज के अंदर में, आज के समाज के अंदर में पहले से ज्यादा है। पुराने जमाने में आठ आठ नौ नौ दस दस बच्चे होना एक फख्र की बात माना जाता था। लड़के के लिए लड़कियां अगर पैदा होती जा रही लड़के के लिए इंतजार किया जाता था। ग्यारह ग्यारह बारह बारह बच्चे वाले लोग आज के समाज में भी मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे एक पिछले पूर्व मंत्री हैं, उनकी ग्यारह औलादे हैं। तो इस तरह की पहले की स्थिति जो है उससे सुधार अब आया है। लोग इस बात में जागरूक हुए, अवेयरनेस उनके अंदर आया है कि बच्चे दो ही अच्छे, ज्यादा से ज्यादा तीन। तो इस स्थिति में जो है हम उसके बावजूद भी इतने ज्यादा जनसंख्या तक पहुंच गए हैं। हमारे सामने आने वाले समय में हमको समझना होगा कि हम कैसे पानी की समस्या पूरी करेंगे, हम कैसे अनाज पैदा करेंगे। आज की परिस्थिति में किसान जमीन बोना नहीं चाहता, किसान का बेटा जो है किसानी करना नहीं चाहता, और जो है पानी पर इतनी लापरवाही हमारे देश में हो रही है। कितना जागरूकता फैलाने के बाद में भी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि हम ब्रश करते टाइम पानी को चालू न छोड़े, छोटी छोटी बातों को भी जो है वो लापरवाही करते हैं। अब भविष्य का भी ध्यान रखते हैं, रहा सवाल पशुधन का भी ध्यान आजकल नहीं रखा जाता है। आज गायों की संख्या कम हो रही है, गायों के पालने का शौक जो रहा करता था, ये गाय पालना एक फक्र माना जाता था, आज उसको सरदर्द माना जाता है। ये सारी बातें जो है, ये दूध पानी और ये जो अनाज जो है इसकी जो कमी पैदा होगी उससे क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैं तो समझ रहा हूँ, आप भी समझ सकते हैं, और हर बुद्धिजीवी इस बात को जानता है कि आने वाला युद्ध जो विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए होने वाला है। ये बात आज से कही जा रही है, जनसंख्या उसका कारण बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि पानी नहीं बिकता है, लेकिन आने वाले सालों में पानी भी बिकना शुरू हो गया, क्योंकि हमने देखा है कि हम उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तमाम चीजें हैं, आप भी उन चीजों पर गौर फरमा रहे हैं। कुणाल जी, बड़ा सवाल ये है कि कहाँ कमी है, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है हम फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। जमीन हमारे पास उतनी ही है, जमीन उतनी ही रहेगी, जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, और अगर आने वाले भविष्य में जनसंख्या विस्फोट और ज्यादा होता है, हम कहाँ से लोगों को घर मुहैया कराएंगे, हम रोजगार कहाँ से देंगे, तमाम मूलभूत चीजें हैं वो हम कहाँ से अवेलेबल कराएंगे। इस ओर क्या सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं? क्या वाकई में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसका सख्ती से कड़ाई के साथ पालन किया जा सके? देखिए, स्पष्ट रूप से आप भी यह कह रहे थे कि भारत में प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया नया पैदा हो जाता है। सिर्फ दो ही तीन साल हैं जब हम चीन को पछाड़ते हुए विश्व में नंबर वन जनसंख्या वाले देश होने जा रहे हैं, जबकि चीन के पास हमसे तीन गुना अधिक जमीन है। आपको देखिए समझना पड़ेगा, आप भी समझ रही हैं, हम सब समझ रहे हैं कि इतने सारे लोगों को बसाने के लिए, इतने सारे लोगों को अनाज उपजाने के लिए, इतने सारे लोगों के पानी को लाने के लिए हम जमीनें कहां से लेंगे? हमारे पास जमीन उतनी है जबकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, इसका स्पष्ट कारण है सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। भारत विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय वाला देश है, इनको देखते हुए सरकार तुष्टिकरण को स्पष्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून ला नहीं रही है, जबकि हम लोग समाज सेवी बहुत सालों से बोल रहे हैं सरकार को तत्काल एक स्पष्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कई बार आप देखेंगे सुनेंगे दखल दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण हेतु फटकार लगाई, परंतु सरकार अभी भी इन सब बातों को लेके आंख में पट्टी बांधकर बैठी हुई है। तो देखिए, आपको एक तुष्टिकरण छोड़ना पड़ेगा, आपको एक स्पष्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, आपको साइड करना पड़ेगा कि एक से अधिक बच्चे आपको हो जाते हैं तो आपको जो मिलने वाली सरकारी सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपके लिए जो अन्य व्यापक जो सोर्सेस है संसाधन है वो सीमित कर दिए जाएंगे। तो देखिए, जब तक आप इस तरह से कड़ाई लागू नहीं करेंगे जिस प्रकार से चीन ने किया, मैं चीन के तर्ज पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, चीन ने मानवाधिकारों का भी हनन किया, चीन ने जो ऐसे दंपतियों के साथ जुल्म और वो किए जो जिन्होंने एक से अधिक बच्चे पैदा किए, तो चीन के तर्ज पे मैं हम नहीं जा सकते, परंतु हाँ हमको एक भारत और भारतीयता की परंपराओं को कानून लाने की जरूरत है, और सरकार को इसी समय और अभी से ही कवायद शुरू कर देनी चाहिए। कुणाल जी, अगर एक दिन में नोटबंदी जैसा अहम फैसला लिया जा सकता है तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्यों नहीं लिया जा सकता? बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारों की, हमारे जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते ये विस्फोट को होने की इजाजत दे दी जाएगी क्या?
देखिए जनप्रतिनिधियों की भी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं दिखती, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के ही खुद 9, 9, 10, 10, 11, 11 बच्चे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेने चाहता हूं, परंतु बिहार से एक जनप्रतिनिधि आया करते हैं, उनके 9 या 10 बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक जनप्रतिनिधि है, उनके 10 या 11 बच्चे हैं। मैं ऐसे कई पंच सरपंचों को छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनके 10 से अधिक बच्चे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। देश के संसाधनों पे जो है वो एक प्रकार से लूट मची हुई है, पानी की समस्या है गांव में, बिजली नहीं मिल पा रही है, परंतु सरकार की नीति रीति कहीं दिख नहीं रही है। तो देखिए निश्चित रूप से अगर नोटबंदी पे अगर आप एक दिन में कानून लाते हैं, आप जीएसटी पे एक दिन में कानून लाते हैं, आप अन्य मामलों पे एक दिन में अध्यादेश ले आते हैं, तो जनसंख्या रीति नीति पे क्यों नहीं? केंद्र सरकार को आज ही इस पे कुछ करना पड़ेगा। तो वह दिन दूर नहीं है जब जनसंख्या जो है एक महामारी का रूप ले लेगी। देखिए इसमें एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे थे कि एक समय भारत की आबादी चीन से पीछे थी, उस समय देखिए स्थिति परिस्थिति भिन्न थी। खेत जैसी आमादियां चली जाती, पर गांव और शहर के शहर खत्म जाते थे। 18वीं सदी का अगर प्लेग की बात करें तो यूरोप की 75% जनसंख्या उस प्लेग ने खत्म कर दी थी, मात्र 25% लोग ही पूरे यूरोप में बचे थे। तो देखिए इस तरह की महामारियों पर भी नहीं भूलना चाहिए। 19वीं सदी के भारत को हमने पोलियो ग्रसित भी देखा है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 19वीं सदी के भारत को हमने पूरी तरह से पोलियो ग्रसित देखा है, और अभी भी भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां से पोलियो का सफाया नहीं हो पाया है। बाबूलाल शर्मा जी, वाकई में सिर्फ गहन चिंतन से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हम इस समस्या से निजात पा सके, क्योंकि हमारे देश का भविष्य, हमारे आने वाले जो युवा है, जो आज बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा अगर इसी तरह से जनसंख्या का विस्फोट होता रहेगा? संसाधन हम उपलब्ध कराने में पूरी तरह से अक्षम है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे पूरी दुनिया में जितनी कुल जनसंख्या है उसकी लगभग आधी जनसंख्या जो चीन और भारत में बसती है, तो भारत और चीन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्षेत्र है। और आगे आने वाला जो भविष्य जो दिख रहा है, जो दिखा रहा है, पानी और किसानी और अनाज का जो समस्या पैदा होगी तो वो हमारे यहाँ ज्यादा होगी। अब हमको निर्भर होना पड़ जाएगा, अभी हम आत्मनिर्भर है, हमको निर्भर होना पड़ जाएगा, वो वाली परिस्थितियां पैदा होगी। सिर्फ उद्योग हो जाने से जो है वो जनसंख्या नहीं पलेगी, उनको अनाज चाहिए, उनको दूध चाहिए, उनको और भी बहुत सारी चीजें, पानी चाहिए, जीवन उपयोगी चीजें चाहिए। तो उसके लिए जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत और चीन आने वाले हैं आने वाले समय में। एक और बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ जो आने वाली, जिसका हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में 2050 तक पूरी दुनिया में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से दोगुनी हो जाएगी। ये एक बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है, जिसकी व्यवस्था के लिए आपको अभी से विचार कर लेना चाहिए कि उन बुजुर्गों की उम्र जो होगी उस उम्र में उनको किस तरह से पोषित किया जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर में भारत की संस्कृति जो है माता पिता के प्रति आदर के भाव जो है वो कम होते जा रहे हैं और स्थितियां विचित्र होती जा रही है। मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उस स्थिति में जब बुजुर्ग हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है इसलिए बुजुर्ग हमारे यहाँ ही उस समय में ज्यादा होंगे 2050 में, तो उन बुजुर्गों की स्थितियां क्या होंगी जब भारतीय संस्कृति में परिवार को छोड़ देंगे, बुजुर्गों को अकेला छोड़ देंगे, उन परिस्थिति में वो भी एक समस्या होगी। शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो समाजीकरण है, जो आज कल का जो समाज का ताना बाना बुना जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? हर जिम्मेदारी हम सरकार और जनप्रतिनिधि के कंधों पे भी नहीं डाल सकते, कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमें भी अपनानी होगी, उसका निर्वहन करना होगा। इसके पीछे क्या हमारा समाजीकरण जो हो रहा है, हमारा सामाजिक ताना बाना नहीं जिम्मेदार? देखिए स्वविवेक से जो बात की जा सकती है उस पर किसी पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। जिस काम को कोई और कर सकता है उसको हम क्यों नहीं कर सकते? अगर दूसरा जागरूकता पैदा करता है तो हम क्यों जागरूकता अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते? ये स्वविवेक का प्रश्न है। आप अगर परिवार के बारे में सोचते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, तो समाज के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन जरूरत क्या होती है समाज के, सामाजिक लोगों को आपको समझाने की? आपको खुद से उस बात को समझना है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे घर में लोग ज्यादा होंगे, हमारे खर्च बढ़ेंगे और बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। और देश के लिए सोचने वालों को जो है इस बात पर और ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सीधा सवाल है ये कि भाई भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक परिवेश बदल रहा है उसका प्रभाव भी जनसंख्या पर पड़ेगा। सामाजिक परिवेश में जो है जो कमियां आ रही है
उसका प्रभाव भी समाज पर, परिवार पर पड़ेगा, व्यक्ति पर पड़ेगा और खास करके बुजुर्गों पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि कुणाल जी हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हर कोई रुख कर रहा है और उस मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट और अपनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ पे उसको अपनाना चाहिए, जहाँ पे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ पे हम पिछड़ जाते हैं, बाकी दूसरी चीजों में हम उस होड़ भी करने लगते हैं। तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी कि क्या लगता है, हम कहीं रोक लगा पाएंगे या हम अगले साल नेक्स्ट ईयर हम फिर आज के दिन फिर मुखातिब होंगे, फिर चर्चा करेंगे और चर्चा का निष्कर्ष हमें कुछ नहीं मिलेगा? देखिए अभी तो रोक लगाने की स्थिति वाकई मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लानी होगी। एक आज ही एक रात में अगर कानून बन जाए तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो हम भी पिछले साल भी ऐसी, हम अगले साल भी हम लोग यही चर्चा करेंगे और हम आते आते जैसे FM में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े का विज्ञापन चल रहा था, सरकार वही विज्ञापन चला के इतिश्री मान लेगी। तो देखिए स्पष्ट रीति नीति के लिए आज ही से काम करे सरकार, आज ही क्यों अभी से काम करे, तभी जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा, नहीं तो देश का भविष्य बहुत अंधकार में है। बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से जब चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक पार्टियां एक कैंपेनिंग करती हैं कि भाई हमारे पक्ष में आप वोट डालिए, हमारी सरकार बनाइए, क्या सरकार इस तरह का कैंपेन नहीं कर सकती, क्या इस तरह की दृढ़ शक्ति के साथ कैंपेन करने के साथ कानून नहीं ला सकती कि भाई जनसंख्या विस्फोट से, जनसंख्या बढ़ने से ये तमाम दिक्कतें हैं और आप लोगों को ही दिक्कतें हैं, तो क्या इस तरह के कैंपेन की शुरुआत हमारी सरकारें, ना केंद्र सरकार अगर नहीं करी तो राज्य सरकारों से शुरुआत नहीं हो सकती क्या? देखिए आप जो सलाह दे रही हैं वैसा भी किया जा सकता है, लेकिन माना यह जाता है कि वो सरकार अच्छी होती है जो लोगों की जिंदगी में कम से कम प्रवेश करे, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी समस्या जरूर है कि जिस समस्या का सीधा जो संबंध है पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने वाला है और खास करके जो चाइना और भारत के ऊपर तो जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है। इसलिए आप जो कह रही हैं वो भी है कि कानून भी कड़े हो, लेकिन जब तक आपके अंदर स्वविवेक नहीं जागेगा, आप खुद अगर नहीं समझेंगे इस बात को, तो वो कानून कितना काम कर पाएगा और क्या कितना उसका हस्तक्षेप रहेगा, ये भी समझने वाली बात है। सिर्फ कानून बना देने मात्र से कुछ नहीं होता है। नसबंदी वाले मामले में देखिए आपको कितनी बदनामी कांग्रेस सरकार की हुई थी संजय गांधी के समय में, तो उस प्रकार की बातें बहुत सारी हो जाती है। कानून बने, सख्त बने, वो ठीक है, वो एक संदेश के लिए होता है, लेकिन जहां तक स्वविवेक का मामला है, स्वविवेक जागना चाहिए कि हमको किस तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके और उस उतने पर ही हमको सीमित रखना है। हमको सीमित रहेंगे तो हमारी कमाई का जो हिस्सा है वो सही ढंग से सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद आगे निकल के जब आप सुरक्षित होंगे तो आप अपने पड़ोस को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज में इस बात की जागरूकता फैलाने का प्रयास भी कर सकते हैं। बिल्कुल साथ ही कुणाल जी, जिस तरह से संजय गांधी का जिक्र किया है कि उस वक्त जो कानून बने थे उसकी किरकिरी भी हुई थी और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में एक बार फिर से जरूरत आ गई है इमरजेंसी के टाइम जिस वक्त जो कानून बने थे उस तरह के कुछ कानून बनाने की, हालांकि उतनी सख्ती ना अपनाए लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जरूरत आ गई है, तब कहीं जाके निजात मिल पाएगी? बहुत संक्षेप में सर। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि 1976 में ही एक स्पष्ट जनसंख्या नीति इस देश में दिखी थी, उसके बाद विपक्ष ने उस जनसंख्या नीति रीति के खिलाफ ही सरकार के वोट मांगा और सरकार जो है गिर जाती है और विपक्ष सत्ता में आ जाता है। निश्चित रूप से उस समय कुछ अत्याचार की खबरें आई थी, परंतु उस जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरह ही एक नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की देखिए सख्त आवश्यकता है। लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती जुल्म ना किया जाए, लोगों को अच्छे से समझा के लोगों में जागरूकता ला के, देखिए सामाजिक कारण की भी आप बात कर रही थी, निश्चित रूप से एक सामाजिक कारण भी है, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाना, अशिक्षा जो है वो भी एक कारण है, और समाज शास्त्रियों का मानना है कि देश में जो गरीब है छोटे बच्चों को एक परिसंपत्ति के रूप में देखता, परिसंपत्ति के रूप में इसलिए देखता है कि उन्हें लगता है कि परिवार में बच्चा बड़ा होगा, काम में हाथ बटाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखिए धीरे धीरे जागरूकता आई है, परंतु उतनी जागरूकता हम लोगों को अभी ग्राउंड में दिखती नहीं है। तो एक स्पष्ट नीति सरकार बनाए, आज ही से नहीं अभी से बनाए, तभी देश का जनसंख्या जो है।
न केवल सरकार को बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कि आप हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हम पत्रकार बिरादरी के लोग और साथ ही जो तमाम जो दर्शक हैं, हमको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उन तमाम जिम्मेदारियों को समझते हुए उनका निर्वहन करना होगा, तब कहीं जाके हम बेहतर भारत की जो कल्पना हम लोग आज कर रहे हैं वो हम साकार कर पाएंगे और एक बेहतर भविष्य हम आने वाली युवा पीढ़ी को दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया बाबूलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनसंख्या वृद्धि में पाकिस्तान तो भले ही तेजी से बढ़ रहा है लेकिन तीसरे नंबर पे है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि भारत दूसरे नंबर पे है। कब हो सकता है, आज नहीं तो कल, एक साल बाद भारत नंबर वन के पायदान पे आ जाओ, हो सकता है इस पर भी खुशी मना ली जाए, लेकिन ये जो विस्फोट होगा इसका खामियाजा कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा इस पर भी गहन चिंतन की जरूरत है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी है तो बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।